बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुशील मोदी का सोमवार की रात को दिल्ली में निधन हो गया। वो 72 साल के थे। पिछले महीने ही 3 अप्रैल को उन्होंने कैंसर होने की जानकारी देते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पिछले करीब 6 महीने से गले के कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बिहार की राजनीति के पुरोधा सुशील कुमार मोदी के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। 3 अप्रैल को उन्होंने सार्वजनिक जीवन के लिए अंतिम संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। इसके बाद उनके आवास पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मिलने के लिए पहुंचे, तो परिजनों ने उनकी तस्वीर लेने से मना कर दिया। इस मौके पर सुशील मोदी को देखकर उनके समर्थकों को गहरा सदमा लगा था। पिछले कुछ दिनों में सुशील मोदी की सेहत बेहद गिर गई थी। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सुशील कुमार मोदी ने पटना साइंस कॉलेज से बॉटनी विषय से ग्रेजुएशन किया था। 1971 में सुशील मोदी ने छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। युवा नेता के रूप में इनकी पहचान विश्वविद्यालय से होते हुए राज्य की राजनीति तक पहुंची। 1977 में आरएसएस के प्रचारक बने। 1974 में जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे। सुशील मोदी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जेपी आंदोलन के बाद उभरे त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते रहे।